और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, इस पर इस सदन में जो बहस हुई है इसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ। मुझे एक बात का आनंद भी है और हमारी संसदीय प्रणाली का के लिए अच्छा भी है कि किसी ने इस बिल के तत्व का विरोध नहीं किया है, इस बिल के हार्द का विरोध नहीं किया। माननीय, लगभग 6 घंटा चर्चा चली और कांग्रेस के श्री अमर सिंह से लेकर अधीर रंजन जी तक 29 वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से विचार व्यक्त किए, मगर बिल के उद्देश्यों के साथ बाइन राज सभी ने सहमति व्यक्त की। यह मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बिल लेकर आया हूं, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो बिल 70 सालों से जिनों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ये भारतीय संविधान की मूल भावना है। परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, अधिकार देना और अधिकार सम्मान के साथ देना, दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कमजोर और वंचित वर्ग के जगह अन्य पिछड़ा वर्ग, ये नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीजों को ढेर सारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अलग अलग तरीके से थोड़ा कम आंकने की प्रयास भी किया। किसी ने कहा कि पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है वो जरूर देखना। नाम के साथ सम्मान जुड़ा है वो वही लोग देख पाते हैं जो उनका उत्कर्ष अपने भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए भाई समझकर संवेदना के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते। वो लोग इसका नाम नहीं समझ सकते जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग कर अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वो गरीब का दर्द भी जानते हैं। और जब इनके आगे बढ़ाने की बात होती है तब कई बार तो मान्यवर मदद की जगह सम्मान के मायने बड़े होते हैं। मदद से ज्यादा व्यक्ति का सम्मान उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को और उसके गौरव को सम्मानित करता है, बढ़ाता है, जो उसके जीवन में आगे बढ़ने का कारण होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ढेर सारे सदस्यों के भाषण मैंने सुने भी है, पढ़े भी है मेरी चैम्बर में। ये भाव सिर्फ नाम बदलने से क्या होता है वो समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। मान्यवर, आज जो बिल लेकर आया हूं, ये बिल के बारे में मैं थोड़ी पृष्ठभूमि भी बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारतीय संघ के साथ इनके विलय का निर्णय किया
उस वक्त से लेकर अब तक कई सारे उतार चढ़ाव हुए। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझ कर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझ कर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, ना इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे हैं, मैं नाम देना नहीं चाहता। और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है तो, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और शक्ति के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ता। मान्यवर, जब ये विस्थापित हुए तब देश के अन्य हिस्सों में, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर उनको जाना पड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, न जाने कहां कहां गए। लगभग वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 46,631 परिवार और 157,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। और इस तरह से विस्थापित हुए कि उनकी जड़ें ही अपने खुद के देश से, अपने खुद के प्रदेश से, अपने खुद के वतन से उखड़ कर रह गई। ये बिल उनको अधिकार देने का है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का। मान्यवर, कश्मीर के लिए एक प्रकार से तीन युद्ध हुए। 47 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया, इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में विस्थापित हुए। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू कश्मीर में और 5,460 परिवार देश भर में फैल गए। वो पाकिस्तान के हमले के शिकार थे। इसके अतिरिक्त 1965 और 1971 में भी युद्ध हुए, उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए और कुल मिलाकर 48, 65 और 71, ये तीनों युद्धों में मान्यवर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। ये विस्थापितों की स्थिति के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, परंतु ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल। आज वो लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव लड़कर वहां की असेंबली में बैठ पाए। जो कहते हैं क्या हुआ धारा 327, कहां हुआ 5 और 6 अगस्त 2019 में, ये हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और आज उनको अधिकार मिला। मान्यवर, जिस 5 और 6 अगस्त का बिल 2019 का कुछ लोगों को जूते में पड़े कंकर की तरह खटकता है, उनको मैं बताना चाहता हूं, इसी बिल का हिस्सा था न्यायिक डिलिमिटेशन। ये एक शब्द नहीं है, दो शब्द जोड़कर बनाया है, क्योंकि पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था वो इस तरह से था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां बनी है और दूसरा ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा 15 किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है। इस तरह से डिलिमिटेशन हुए। ये डिलिमिटेशन के सामने मैंने जानबूझकर एज अ लेजिस्लेटर न्यायिक डिलिमिटेशन लिखा था, वो आज मैं सदन को बता। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केटेड असेंबलीज, ये लोकतंत्र का मूल, जनप्रतिनिधि को चुनने की इकाई तय करने की प्रक्रिया है। असेंबली जो बनती है वहीं से मतदाता अपना प्रतिनिधि
विधानसभा में भेजते हैं। अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ही पवित्र नहीं है तो लोकतंत्र कभी पवित्र नहीं रह सकता मान्यवर। इसलिए इस बिल के अंदर हमने व्यवस्था करी थी कि डिलिमिटेशन, न्यायिक डिलिमिटेशन फिर से किया जाएगा।